ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर सीख द सुधर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज आप सुनेंगे 21 अप्रैल के ईश्वरीय वरदान को, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम कंप्लेंट करने वाले ना बने और हम कंप्लीट बने, अंदर से कंप्लीट। तो जो इंसान कंप्लेन करता रहता है जीवन भर, वो कभी अंदर से भरपूर या कंप्लीट नहीं हो पाता। देखें इसको विस्तार से। बाबा कहते हैं आज के ईश्वरीय वरदान में, टाइटल में, सर्वशक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। हम कंप्लेन कब करते हैं? जब हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं होती, कुछ गड़बड़ हो गई, चाहे बिजनेस में, चाहे फैमिली में, चाहे धन से रिलेटेड हो, और हम सब कुछ लगा देते हैं औरों के ऊपर। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता, अगर उसने टाइम पर काम किया होता तो ऐसा होता। तो परमात्मा कहते हैं कि इस समय हमारी सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति नहीं है, और इस समय वर्तमान में अब क्या करना है उसका परखना और निर्णय करने की शक्ति नहीं है। इस कारण हम क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं और हम समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब सर्वशक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार में चलेंगे। अंदर में अगर कोई भी कमी है, कमी क्या है? हमारे अंदर होती हैं कमियां। कमी हो सकती है कि हम किसी चीज को पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब विघ्न आ रहे हैं हमारी लाइफ में तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था, वो कंपनी ठीक नहीं थी, वो गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, वो जगह ठीक नहीं थी, और क्या करें, मैं ही ठीक नहीं था। तो हम अपने आप को भी दोषी बना देते हैं। तो हम कभी भी अंदर से संपूर्ण और संतुष्ट नहीं हो पाते। फिर इसलिए परमात्मा कहते हैं अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो। और करना कब है? जब हम राजयोग मेडिटेशन में बैठते हैं। हमारे अंदर जब भी दुविधा आती है, इरिटेशन आती है, तो अपने आप से और परमपिता परमात्मा से पूछना चाहिए कि बाबा, मेरे प्यारे पिता, मेरे में क्या कमी है? मेरे अंदर कौन सी शक्ति की, कौन से गुण की कमी है जिस कारण मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है? और पूछ वही तो पाएंगे जिन्होंने ये ज्ञान लिया हो, जिनको पता हो कि कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन से गुण हैं, किस चीज़ की कमी है हमारे अंदर। तो 7 दिन का कोर्स करना तो ज़रूरी है, नहीं तो आप मेडिटेशन में कभी भी ऐसे परमात्मा से बात ही नहीं कर पाएंगे आप। तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया जीत मतलब हमारे अंदर की कमजोरी, चाहे वो हमारे अंदर घृणा हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो, या हमारे अंदर दोष देने की आदत हो, इन सबको माया कहते हैं। क्योंकि ये हमें भी दुखी करते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं और हमारे कार्य को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये माया हो गई, दोष देना, घृणा करना, नफरत करना, ईर्ष्या करना। इसलिए परमात्मा कहते हैं माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। अंत समय कोई कार्य पूरा करना चाह रहे थे, या अंतिम समय हो, आपका शरीर छोड़ने का समय भी हो सकता है अंतिम समय, और आपको कोई कार्य पूरा करना था, किसी से कुछ कहना था, लेकिन अंदर का अहंकार, अंदर की घृणा, अंदर के नफरत ने वो कहने नहीं दिया। फिर ले लो एक और जन्म, क्योंकि आपने वो कार्य पूरा नहीं किया, आपने वो ऊर्जा को इस पृथ्वी पर आपने बैलेंस आउट नहीं किया, आपने अपवित्र संकल्प को पवित्र बना करके शरीर नहीं छोड़ा, तो आपको फिर से एक और जन्म लेकर के उस अपवित्र कार्य को फिर से पवित्र बनाना ही पड़ेगा। ऐसे फ्री में आप जा नहीं सकते इतने आसानी से। परमात्मा कहते हैं इसलिए सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा कर। अब ये शक्तियां कौन सी हैं, इनको जानने के लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना जरूरी है। शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा, योग मतलब मेडिटेशन के प्रयोग द्वारा, हर कंप्लेन को समाप्त कर। कंप्लेन हम करते हैं, हम परमात्मा से कहते हैं परमात्मा, पिता, बाबा, आप अगर ऐसे कर दें
मेरी वाइफ को चेंज कर दें, हस्बैंड को चेंज कर दें, मेरी जगह को चेंज कर दें, मेरी सिचुएशन को चेंज कर दें, भाई बहनों को चेंज कर दें, तो मैं बेटर हो जाऊँ। कंप्लेन पे कंप्लेन पे कंप्लेन। परमात्मा कहते हैं तब आप कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अभी नहीं किया तो आस्ते आस्ते ये आदत कंप्लेन करने की और डीप संस्कार्स में या डीप आदतें हैबिट्स बनती जाएंगी और फिर इनसे छूटना और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आप राजयोग मेडिटेशन सीखें, इस ज्ञान को और गहराई से समझें और ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर पर जा करके इसका लाभ लें। इसके साथ ओम शांति।